नमस्कार, आज हम लोग स्टैटिक जीके में बात करने वाले हैं कथकली के बारे में। हम लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग कथकली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कथकली कहाँ, इसका डांस कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में। कहाँ? कथकली जहाँ कली है जो केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। कथकली क्लासिकल डांस कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल मनाया जाता है। जो मेन है हम उनका नाम लिखे हैं जो पूछे गए हैं प्रश्न में, जो पूछे गए हैं ये SSC में, CPO कोई भी एग्जाम हो, अदर वनडे एग्जाम सब में पूछा गया है, हम वही छांट छांट के लाए हैं। तो हम कथकली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें कथकली से रिलेटेड के कौन कौन है? आनंद शिवरामन है। कौन? आनंद शिवरामन, किशन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई। क्लासिकल डांस कथकली से रिलेटेड के बाद आनंद शिवरामन, किशन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई। अब मृणालिनी साराभाई ये एक अकेडमी खोले अपन। कौन अकेडमी रहा? दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और कहाँ खोले ना? अहमदाबाद। ये पूछ सके थे कैसे कि भैया सा मृणालिनी साराभाई की अकेडमिक नाम कौन है? ये नाम प्रश्न पूछ ना पूछ ले, अभी कहाँ खोले रहे हैं, कौन राज्य जिले में ना? तो मृणालिनी साराभाई अकेडमी रहा है, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ खोले रहे हैं? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। कथकली के प्रमुख अन्य कलाकार के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। अब देखो अन्य कलाकार तो बहुत हैं, कम से कम हैं 200-300 लोग। तो हम उसमें जो पूछे गए हैं उनका नाम छाट के यहाँ लिखा गया भैया। तो सबसे पहले हैं ये कृष्ण नायर, शांताराव, गोपीनाथ, नंद कुमार नायर, रामचंद्र पिल्लई। अब इसको याद कैसे करना है ये भी बात है ना। हम लोग याद कैसे करेंगे? कृष्ण शांत गोपी नंद कुमार रामचंद्र पिल्लई। हम लोग कैसे याद करेंगे बिना ट्रिक के? कि कृष्ण शांता, छोटा नाम याद करेंगे ना, तो नायर शांताराव। देखा, कृष्ण शांता गोपी नंद कुमार, इतना बड़ा नाम, कृष्ण शांता गोपी नंद कुमार राम कृष्ण रामचंद्र पिल्लई ना। अब इसे याद करें, कृष्ण नायर शांता राव गोपीनाथ नंद कुमार नायर रामचंद्र पिल्लई। ये सब कहाँ के भैया, कैसे रिलेटेड करते हैं? कथकली से। सब प्रमुख अन्य कलाकार हैं के कृष्ण नायर शांता राव गोपीनाथ रामचंद्र पिल्लई नंद कुमार नायर। अब नायर दो जगह आ गया, कृष्ण नायर नंद कुमार नायर, कृष्ण नंदू शांत गोपी रामचंद्र। अब चाहे जैसे याद करे को, लेकिन एक ट्रैक बनावा चाहे जोन बनावा, लेकिन याद करब जरूरी है। ये प्रश्न में आ सकत है, चाहे CGL हो, CPO हो, MTS हो, DSSB हो, वन डे एग्जाम कोनो भी हो, रेलवे, ये सब में पूछ सके थे ना। हमसे एक बार फिर से देखते हैं, स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके माध्यम से क्या पढ़ते हैं? क्लासिकल डांस का अंत करे वाले, खत्म करे वाले क्लासिकल डांस। और बाकी सब हमसे पढ़ चुके हैं, आठ डांस जो रहा ना। तो कथकली कहाँ मनाए जाते हैं? कथकली डांस कहाँ मनाए जाते हैं? केरल में। कहाँ मनाए जाते हैं? केरल में। और केरल मनाए जाते थे हमें के बात है कथकली से रिलेट कर के सीखे में का डांस कथकली कर शिवरामन कुट्टी साराभाई। अच्छा, हमसे थोड़ा छोटा शॉर्टकट नाम याद कर, अब पीछे वाला, वही पीछे वाला नाम इनका सही मेन होता है, निक नेम मेन होता है। अब निक नेम हमसे क्या है? शिवरामन। और क्यों शिवरामन है नेम में? क्यों शिवरामन ना है ना? आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई। अब मृणालिनी साराभाई एक अहमदाबाद में पर्सनल का रहा अकेडमी खोली है, वहीं अकेडमी का नाम रहा दर्पण अकेडमी ऑफ
परफॉर्मिंग आर्ट्स। कहाँ खोले ना, अहमदाबाद के खोले सर, मृणालिनी सारा भाई। कैसे रिलेट करते हैं, कथकली से। कैसे, कथकली से ना। तब हम लोग कथकली, तो बात कथकली होगी, कथकली याद होगी कि आता है प्रमुख कला अन्य कलाकार, प्रमुख अन्य कलाकार देखा कथकली के, कृष्ण शांता गोपीनाथ नंद कुमार रामचंद्र पिल्ले। इतना बात याद आई ना, कृष्ण नायर शांता राव गोपीनाथ, गोपीनाथ नंद कुमार रामचंद्र पिल्ले। इतनी बात याद होगी कि नहीं। अब हमसे बात करे वाले ही करे आगे वाले, कथकली होगी, कथकली हुई है, कथकली याद होगी नहीं, बताओ हमें के समझ में आएगी। अब से आगे पढ़ा जाए अकेडमी। देखा अकेडमी क्या रहा, मृणालिनी सारा भाई। ये खोली ना अपन जब अकेडमी, कहाँ खोली ना, अहमदाबाद। कहाँ, अहमदाबाद में अपन जब अकेडमी खोली ना, तो ये अकेडमी के नाम रख ली ना अकेडमी, अकेडमी दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ खोले ना, अहमदाबाद। मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकते है, मेन क्वेश्चन यानी कि पूछ सकते अकेडमी ना, अकेडमी पूछ सकते है मिला नहीं सारा भाई के। ये पे इतना जोर यहाँ लगाते रह जाती, प्रश्न आई सकत है, आई जाए तब अब याद पढ़े रहा बता है लगा दी। तो हमसे आगे पढ़ा जाए। अब हम लोग देखने वाले हैं कथकली के बारे में बात। कथकली के जस्ट बाद दूसरा नृत्य आता है कथक। कौन सा आता है, कथक। अब कथक कहाँ मनाया जाता है, कथक मनाया जाता है भैया उत्तर प्रदेश में। कहाँ, इसी को बोलते हैं कथक। क्या बोलते हैं, कथक। कहाँ मनाया जाता है भैया, ये उत्तर प्रदेश यूपी में ना। अब आगे हमसे देखा कथक से रिलेटेड कौन डांस जो है, कथक डांस, क्लासिकल डांस में कथक डांस से पढ़ता है। तो कथक डांस से के सीखे व कथक डांस में के परफॉर्मेंस अच्छा बढ़िया बढ़िया की, जैसा सब बढ़िया के उनका नाम आए, जिस बढ़िया ना कह पाए ना वो वह, लेकिन उनका क्वेश्चन ना पूछा जाए, उनका पेंडिंग रखे, उनका कहूँ ना पूछे। तब जेका जेका पूछे बाटे हैं, ये जो पूछा गया भैया वन डे एग्जाम जैसा CMTS CGL CPO पुलिस और सब अदर एग्जाम, तो हमें जो ये पूछा गया है वो सब आई नहीं, सब मतलब बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस करे हैं तभी पूछा गया। तो हमसे कथक में देखने वाला ही देखा बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी, तीन जड़े रहे के बढ़िया परफॉर्मेंस के। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, एक फीमेल है भैया सितारा देवी के, रहा सितारा देवी ये के फीमेल, बाकी ये दोनों दोनों महाराज हैं के बिरजू लक्ष्मू, दोनों भाई भाई इनके, बिरजू लक्ष्मू महाराज दोनों जो है महा भैया है, सब दोनों भाई भाई हैं। बिरजू बड़ा रहे, लक्ष्मू छोट, ऐसे याद करे क्या हमसे के बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी, ये कथा के बहन भैया कथा का सीखे रहे, कथक डांस, कथक डांस सीखे रहे, लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ कह रहे हैं, कथक में सबसे बढ़िया बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे इनका SSC CGL CPO वन डे एग्जाम अदर पुलिस दरोगा सिपाही जो एग्जाम भर है उनमें इनका सह के पूछ ले सके का बिरजू लक्ष्मू सितारा, इनका सह पूछ ले सर, और जन बाकी दो तीन चार से जो है उनका पेंडिंग कर दिए, सब बढ़िया ना कह पा रहा है न। अब हमसे देखा कथक भैया अन्य कलाकार का, अन्य कलाकार के बारे में, अन्य कलाकार के देखा यूँ महाराज महाराजा यहीं कहिए फिर ये सब महाराज महाराज सब आपस में कहा रहे चचेरा भाई, कह रहे हैं चचेरा भाई, ये पड़ोस वहीं पड़ोस वहीं पड़ोस ना। तो इसे नमो रखुटा सुखदेव महाराज, बिंदास दीन महाराज के बिंदा दीन महाराज, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू अच्छन, लच्छ अच्छ मिलता है ना, लच्छू अच्छू, बिरजू लच्छू अच्छू, सुखदेव अलग है थोड़ा होता ना, ये अपने परिवार थोड़ा बिछड़ गए हैं। तो देखा है कि मैंने सुखदेव महाराज, बिंदादी महाराज, अच्छन महाराज, उमा शर्मा, रोशन कुमारी, प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली, राजेंद्र गानी, राघव राजभट्ट, मंगला भट्ट, श्यामा भट्ट, रोहिणी भट्टे, रोहिणी भाटे,
पंडित मुन्नालाल शुक्ला सारस्वती सेन। पंडित मुन्नालाल शुक्ला सारस्वती सेन। अब देखा इनका से कैसे याद किया जाए। अभी मैं जहाँ जहाँ महाराज है उनका उनका वैसे के पहले टिक लगा के है महाराज महाराज और महाराज नारायण हैं। देखा चार महाराज हैं, तीन दो पांच महाराज हैं, पांचों महाराज के विषय के याद करें कैसे। बिरजू लच्छू, बिरजू लच्छू अच्छू, बिरजू लच्छू अच्छू मतलब अच्छन, बिरजू लच्छू अच्छन बिंदा सुख, बिंदा सुख। अब देखो कैसे याद किया जाएगा ट्रैक से। बिरजू लच्छू रहन भाई भाई के कर अच्छन के कर अच्छन के। बिरजू महाराज बिरजू लच्छू रहन अच्छन के भाई, और लेकिन आई इन के बीच में बिंदा सुख लेके के का दे देना अच्छन बिरजू लच्छू के दे दे सा बिंदा दे देन सुख के का अच्छन के लच्छू के बिरजू के ना के का हमसे कैसे याद करके है। आगे आओ देखा जाए अन्य कलाकार के बारे में। अब देखा ये तो पढ़ रहे हमसे। अब देखा शर्मा जी जी ने देखा शर्मा तो एक ही है शर्मा छोड़ा इमेन के भाटे दो जने भाटे भट्ट भट्ट भाटे भाटे भट्ट भट्ट भाटे इसका याद करके हमसे देखा। राज भाटे राज भट्ट मंगला भट्ट, राज भट्ट मंगला भट्ट श्यामा भाटे ना रोहिणी भाटे पंडित मुन्नालाल शुक्ला सरस्वती बेन सरस्वती सेन। हम लोग एक ऐसे याद किया जाए हो ट्रिक से या वैसे बिना ट्रिक से, हम लोग बिना ट्रिक के याद करें बिना ट्रिक के ऐसे ही पढ़ के। देखा सुखदेव महाराज बिंदादीन महाराज अच्छन महाराज रुमा शर्मा रोशन कुमारी प्रेरणा माली स्त्री राजेंद्र गानी राघव चड्ढा, राघव चड्ढा यानी कि राज भट्ट मंगला भट्ट श्यामा भाटी रोहिणी भाटे शुक्ला। इनके से एक हमसे याद कैसे किया जाए याद हो जाए किसी जब 10-12 बार नाम ले टुकर पर छोटे छोटे लड़के जो था उनको नाम रखता है ये जो नाम रहा है ना जैसे तार पाए छोटे छोटे नाम रखता राघव राघव राज भट्ट राघव राज भट्ट दो दाएँ बोला हुआ है खुद ही सुनने लगी है खुद ही याद हो जाए ना दो दाएँ सुनो बोला हुआ याद हो जाएगी ना। अभी मैं सबसे इम्पोर्टेंट के बाद पंडित मुन्नालाल शुक्ला पूछ सकते पंडित मुन्नालाल शुक्ला और महाराज ये महाराज तीनों जन महाराज मेन मेन है इनका से याद कर लिखे। बिरजू लच्छू अच्छू बिंदा सुख याद करे रहा बिना ट्रिक के तो याद हो जाए कैसे। अब ट्रिक से देखा बिंदा बिंदा दीन सुख देहन के का अच्छन के लक्षण के बिरजू के का देना अच्छन के लक्षण के बिरजू के ओकरे साथे साथे सब अपने दोस्त बोलन के का राज भट्ट मंगला भट्ट सामे भट्ट रोहिणी भट्ट इनका से जब बुलाए ले साथे तो हिमेश दो जिन मेहरार हुआ सारस्वत सेन सितारा देवी। अब ये जिन सोचा है भाई ये मेहरार हुए ना 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 ये है रोशन कुमारी ना। अब आगे हमसे देखे वाला है केकर बात करे वाला है मणिपुरी के बारे में कितने मणिपुरी के बारे में बात कर याद हुई कि ना कत्थक कत्थक डांस कहाँ मनाया जाता है एक बार याद कत्थक डांस कहाँ मनाया जाता है उत्तर प्रदेश इसी को हम लोग कथक कहते हैं कथक ना। अब इसके मेन मेन जो शास्त्रीय नृत्य के भैया करे वाला रहन कलाकार मुख्य कथक के उस सबके रहन बिरजू महाराज लक्षण महाराज सितारा देवी। अन्य कलाकार के रहा सुखदेव महाराज बिंदादीन महाराज अच्छन महाराज पंडित मुन्नालाल शुक्ला रोहिणी भाटी श्यामा भाटी और का नाम है मंगला भट्ट राज भट्ट श्रीमत माली राजेंद्र प्रसाद गानी ये सब याद करे क्या उमा शर्मा रोशन कुमारी ये सब याद करे रहा आगे आवाजाले भविष्य में काम दे। हम सब अब पढ़े वाला है मणिपुरी के बारे में इतनी याद कथा याद हो गई कि नहीं। इसमें करना का है कुछ नहीं करना है बस कथक को देखना है इसमें महाराज आ जाएं
बस महाराज दिख जा। अच्छा छह महाराज है ना, चार महाराज हम पूछ रहे विक्रम दे के, कथक के क्लास कथक के शास्त्रीय नृत्य के रचयिता नहीं है तो क्या कर नहीं है तो जानत रहा तीनों जने दई देश छाप के और दुसरा दई देश तो क्या कर करवा अगर हम देश मृणालिनी सारा भाई तब मृणालिनी सारा भाई के मार देगी। ठीक है अब आगे हमसे देखे वाला ही मणिपुर के बारे में, आइए सीधे चलते हैं मणिपुर पे। हम लोगों ने क्या क्या देखा, कथकली के बारे में देखा, कथक के बारे में देखा, मणिपुर के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में, मणिपुर के बारे में बात करने वाले हैं। मणिपुर की क्लासिकल डांस जो है ये कहाँ मनाई जाती है, मणिपुर की क्लासिकल डांस भैया मणिपुर में कहाँ मनाई जाती है, कहोगे भैया कहाँ मनाई जाती है मणिपुर में, मणिपुर में क्या मनाया जाता है मणिपुरी डांस, मणिपुरी डांस। अब मणिपुरी डांस की झावेरी बहने रही, कई थे झावेरी बहने, चार भाई थे, चार बहने रही, कौन कौन भैया देखा, पहले के नाम रहा दर्शना, दूसरे जने के नाम रहा नैना, दर्शना नैना सुवर्णा रंजना, नैना रंजना सुवर्णा और क्या नाम है दर्शना, चार बहन थी, चार बहनें थी भैया झावेरी की, चार बहनें दर्शना नैना सुवर्णा रंजना। इन सबके गुरु कौन थे भैया, गुरु गोविंद सिंह, कौन थे गुरु गोविंद सिंह। अच्छा गुरु गोविंद सिंह तो थे लेकिन इन्होंने एक स्कूल भी अपना खोल दिया, उसका नाम रख दिया गोविंद नर्तनालय, गोविंद नर्तनालय स्कूल। कौन खोला ये स्कूल भैया, गोविंद नर्तनालय स्कूल कौन खोला, गुरु गोविंद सिंह। अच्छा पूछ ले इस क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का स्कूल किस नाम से है तो क्या बताओगे, गोविंद नर्तनालय स्कूल। झावेरी की चार बहने, झावेरी की चार बहने, चारों बहनों किसका डांस करती थी, मणिपुरी की, किसका मणिपुरी की। अब मणिपुरी की गुरु कौन थे भैया, झावेरी बहनों की गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे तो इन्हीं गुरु गोविंद सिंह किसके गुरु थे, झावेरी बहने। अब झावेरी बहने चार थी तो चारों का नाम क्या है, देखो दर्शना नैना सुवर्णा रंजना है ना, ये चार लोग हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे भैया अन्य कलाकार के, अन्य कलाकार के भी बारे में जानेंगे जब हम लोग, तो अन्य कलाकार कौन कौन है भैया, अन्य कलाकार कौन कौन है तो देखा अन्य कलाकार में आते हैं ये गुरु आमले सिंह, गुरु आमले सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु आमले सिंह दोनों जने आपस में मिले जुले, गुरु गोविंद गुरु आमले। एलवीना एलवीनो देवी, एलवीनो देवी चारू माथुर, एलवीनो देवी चारू माथुर, चारू माथुर सविता मेहता बिंबावती देवी नीलेश्वर मुखर्जी आखम लक्ष्मी देवी इंदिरा देवी। पश्चिमी देखो कितने फीमेल है, इसमें ढेर सारे फीमेल है लेकिन मेल बहुत कम है, तो मणिपुरी में सबसे ज्यादा फीमेल डांसर है। देखो इसमें कौन कौन है, ये है एक हो गए बस, और बाकी हमें कहाँ दिखता है, ये दिखते हैं बस, ये गुरु है ना, बात आई समझ में कि नहीं। हम लोग अन्य कलाकार के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। देखो अन्य कलाकार मणिपुरी के अन्य कलाकार कौन कौन थे, गुरु आमले सिंह, एलवीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कौन सविता मेहता, बिंबावती देवी, बिंबावती देवी नीलेश्वर मुखर्जी, नीलेश्वर मुखर्जी सविता मेहता बिंबावती नीलेश्वर आखम लक्ष्मी देवी और लास्ट में है इंदिरा देवी। इन सब का नाम अच्छा लिखा जाता है अन्य कलाकार, कुछ जिन्हें सोचता हूँ ये क्या बकवास है भैया, देखा जो ये मेन मेन है ये सब अच्छा खूब बढ़िया डांस कर रहे हैं, खूब बढ़िया डांस कर रहे हैं,
तभी तिनका एसएससी पूछता। एसएससी नहीं, वनडे एग्जाम कोनो भी हो, हर एग्जाम में सब पूछा जाते हैं। इनका से एक नाम हम छांट के लेके आई, एकदम छांट के प्योर प्योर एकदम घी छांट के लेके मलाई वही तुम्हें से के दिया जाता है। आई हमें से मैं यहीं बात कर रहे कि नहीं जो दिया जाता है यहीं से यही है भैया, वनडे एग्जाम चाहे जो एग्जाम। हाँ एकाक उकाक इधर उधर अट्टा फुट्टा छुट्टा मुट्टा भरा हुई है तो उनका गले उठा लिए, लेकिन यहीं से पूछा जाएंगे कि इसे मणिपुर की कहानी, हम लोग मणिपुर की कहानी के बारे में समझते हैं। देखो मणिपुरी से समझ में आता है ये डांस जो है ये मणिपुर में होता है, कहाँ होता है मणिपुर में, लेकिन इसमें मणिपुर में झावेरी बहनें थी, झावेरी बहनों की के गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। अच्छा गुरु गोविंद सिंह भैया एक स्कूल खोले ना, वहाँ स्कूल का नाम रखे ना गुरु गोविंद जी ने स्कूल का नाम रखे ना गोविंद नर्तनालय स्कूल। अच्छा गुरु गोविंद सिंह जो ने झावेरी बहने के गुरु रहे, और गुरु झावेरी बहने चार बहन थे, रंजना सुवर्णा नयना और दर्शना, चार लोग चार बहने थी। तो भैया ये तो हुआ झावेरी के मणिपुर की। आगे बात अन्य कलाकार के बारे में, इसमें सब फीमेल हैं, जैसे इंदिरा देवी आखम लक्ष्मी बिंबावती देवी नीलेश्वर चारू चारू एलविना और सविता, चारू एलविना सविता बिंबावती इंदिरा आखम लक्ष्मी, इतनी बात समझ में आई है। ये तो रहा भैया मणिपुरी की। अब हम लोग बात करेंगे मोहिनी अट्टम के बारे में, किसके मोहिनी अट्टम के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है आप बता सकते हैं भैया, केरल में। कहाँ केरल में, हम उसके बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सीधे चलते हैं कहाँ, पहले मणिपुर देख लेते हैं फिर मोहिनी अट्टम पे चलते हैं भैया, समझ रहे हो। मोहिनी अट्टम के बारे में अभी पढ़ेंगे मणिपुर। मणिपुर कहाँ मनाया जाता है मणिपुरी डांस, मणिपुरी किस कौन सा डांस, हम लोग क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस में मणिपुर है। मणिपुरी कहाँ मनाया जाता है मणिपुर में, मणिपुर में भैया झावेरी बहने थी, झावेरी कितनी बहने थी चार बहने, चार बहन का गुरु कौन था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अच्छा चारों बहने कौन थी भैया, दर्शना नयना सुवर्णा रंजना। गुरु गोविंद सिंह स्कूल खोले भैया, एक स्कूल का नाम रहा, स्कूल का नाम रहा गोविंद नर्तनालय स्कूल। आगे हम लोग अन्य कलाकार के बारे में देखो, सविता मेहता बिंबावती देवी और एक हो गई चारू माथुर और क्या है एलवीना आखन लक्ष्मी इंदिरा ना, नीलेश्वर मुखर्जी हो गए गुरु आमली सिंह हो गए, रंजना मेहता सविता मेहता, सब मेहता मेहता है, पूरी मेहता फैमिली खानदान मेहता है, खानदान मेहता है। एक दो छुट्टे उठे हो गए हैं वो अलग है ना। तो हम लोग अब चलते हैं सीधे मोहिनी अट्टम पे, मोहिनी अट्टम पे आइए चलते। हम लोग बात करने वाले हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। तो मोहिनी अट्टम भैया इस क्लासिकल डांस में मोहिनी अट्टम मनाया कहाँ जाता है, एक मोहिनी अट्टम एक भरतनाट्यम है, दो है भैया, दोनों अलग अलग। भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है और मोहिनी अट्टम केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है भैया, केरल में। कहोगे भैया केरल में मनाया जाता है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। जब केरल में मनाया जाता है तो ये भी बता दो भैया मोहिनी अट्टम के जो कलाकार हैं वो कौन कौन है, कौन कौन है यानी कि कौन है, कौन सबसे मेन है हजारों लाखों करोड़ों में से, छंट के घी मलाई, जैसे मलाई लोग हैं ये लोग, मलाई है इन्हीं को हम लोग को खाना है यानी कि पढ़ना है याद करना है। तो जो जो मेन मेन है उनको उनको एसएससी पूछती है, वन डे एग्जाम कोई भी हो उसमें स्टेटिक जीके में लोग ढकेल दिए जाते हैं एक एक नंबर के लिए। तो आगे हम लोग बात करेंगे भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, भारती शिवाजी किससे रिलेट करते हैं मोहिनी अट्टम से, किससे रिलेट करते हैं मोहिनी अट्टम से, मोहिनी अट्टम से भारती शिवाजी। अच्छा भारती शिवाजी हैं तो उसके साथ है दो फीमेल भी हैं, एक है रागिनी और दूसरा है भैया श्रीदेवी, एक और है हेमा मालिनी। दो हीरोइन हैं, दो हीरोइन यानी कि हीरोइन यानी कि फिल्मों में काम करने वाले कौन कौन, श्रीदेवी हेमा मालिनी, श्रीदेवी हेमा मालिनी, और तीसरी इनकी बहन है रागिनी देवी। कौन है रागिनी देवी। अब रागिनी देवी किसकी बहन है, हेमा मालिनी और श्रीदेवी की, किसकी श्रीदेवी की ना। अच्छा हम लोग की बात करें भारती शिवाजी, भारती शिवाजी देखो, भारती शिवाजी की
दो बड़ी बहनें एक छोटी बहनें। दो बड़ी बहनें भारतीय शिवा देवी कौन कौन? शिवा श्रीदेवी और हेमा मालिनी। श्रीदेवी हेमा मालिनी और तीसरी रागिनी देवी। हेमा मालिनी के 2000 में सन 2000 में पद्मश्री दिए गए। सन 2000 में पद्मश्री किसको मिले भैया? हेमा मालिनी को। अच्छा, हेमा मालिनी दो क्लास के डांस जानती, एक मोहिनीअट्टम, दूसरा भरतनाट्यम। अच्छे से भी पूछ लेना हेमा मालिनी के बारे में, उठाई है पूछ ले, हेमा मालिनी के बारे में पूछ ले भैया। दो कलाकार हैं भैया, जाना था दो क्लास के डांस जाना था, एक भरतनाट्यम एक मोहिनीअट्टम। क्या जाना था? हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी। आगे हमसे बात करने वाले अन्य कलाकार के बारे में, मोहिनीअट्टम के अन्य कलाकार कौन कौन है? डॉक्टर सुनीता नायर। डॉक्टर सुनीता नायर कनक रेला, कनक रेल, कनक रेल, कनक रेल, रेता नहीं, कनक रेल, कनक रेल निर्मला पणिकर कमला मंडल कारणी कल्याणी अम्ब। अच्छा, जो कमला मंडल कल्याणी अम्ब रहती, मोहिनी अट्टम की माँ थी। मोहिनी अट्टम की माँ कौन थी? कमला मंडल कल्याणी अम्ब। कमला मंडल कल्याणी अम्ब के रहा है मोहिनी अट्टम की माँ। आगे से देखे वाला ही क्षत्रिय का देखा, क्षत्रिय की बात करें हमसे, क्षत्रिय लास्ट चरण है। आज हम लोग का क्लासिकल डांस समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग फिर बात करेंगे अगले टॉपिक का। तो सबसे पहले हम लोग मोहिनी अट्टम की बात कर रहे हैं, तो मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है? केरल में, केरल मनाया जाता है। कहोगे भैया केरल में मनाया जाता है, लेकिन इसके मोहिनी अट्टम से रिलेट कौन कौन आदमी करता है? तो देखा कौन कौन है, भारतीय शिवाजी हैं। भारतीय शिवाजी की तीन बहनें, एक दो बड़ी एक छोटी बहनें। सबसे बड़ी बहनें दो कौन है? हेमा मालिनी और श्रीदेवी। हेमा मालिनी श्रीदेवी, तीसरी है रागिनी देवी, तीसरी है रागिनी देवी ना। अब हेमा मालिनी सन 2000 में भैया पद्मश्री इनका मिला है, लेकिन हेमा मालिनी दो कलाकार जानते हैं, दो ही क्लासिकल डांस जानते हैं। एक करें भैया कौन? भरतनाट्यम जानते हैं बारे में, और दूसरा का रहा सामने मोहिनी अट्टम के बारे में। अन्य कलाकार के बारे में तो जान गए हैं, डॉक्टर सुनीता नायर, कनक रेल, निर्मला पाड़कर, कमला मंडल कल्याणी, मोहिनी अट्टम की माँ। अब हम लोग बात करने वाले लास्ट चरण क्षत्रिय के बारे में, तो आइए क्षत्रिय के बारे में जानते हैं। अब हम लोग क्षत्रिय के बारे में बात करने वाले हैं, क्लासिकल डांस की लास्ट टॉपिक क्षत्रिय। क्षत्रिय क्लासिकल डांस, क्षत्रिय मनाया कहाँ जाता है? असम में। कहाँ मनाया जाता है भैया? असम में। कहाँ? असम में। सन 2000 में से शामिल किया गया, लेकिन ये 500 वर्ष पुराना है, 500 वर्ष पुराना है, 500 वर्ष पुराना है, ओल्ड है ना। क्षत्रिय कहाँ मनाया जाता है भैया? कहोगे भैया असम में। क्षत्रिय क्लास के डांस, क्षत्रिय क्लास के डांस कहाँ मनाया जाता है भैया? असम में। असम में मनाया तो जाता है, लेकिन ये असम में लागू कब हुआ? 2000 में। कब लागू हुआ? 2000 में। यूएन ने इसको कब लागू किया? 2000 में। लेकिन ये 500 वर्ष पुराना था। अब कहोगे भैया 500 वर्ष पुराना था, लेकिन 2000 में लागू हुआ। अरे भैया उनकी बात है, वो जानेंगे, लेकिन इसमें जो मुख्य अन्य कलाकार हैं उनके भी बारे में जानेंगे, जो एकदम फेमस कलाकार हैं उनके भी बारे में जानेंगे। अच्छा, इसमें जो जो दिख रहे हैं वो पूछे गए हैं किसमें, वनडे एग्जाम, SSC, CPU, बिहार पुलिस और जो अदर का है, SI, सब में पूछे गए। तो उनका नाम क्या क्या है? श्रीमद शंकर देव गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी और श्रीमद शंकर देव रहे भैया प्रभात शर्मा, श्रीमद शंकर देव और जतिन गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी, श्रीमद शंकर देव, श्रीमद शंकर देव असम के भैया कलाकार थे। श्रीमद शंकर देव, गुरु ज्योतिन गोस्वामी, प्रभाकर शर्मा। हम इनकी बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहोगे भैया याद कैसे करें? तो याद कैसे करोगे, देखो पहले देखो श्री, देखो देव गोस्वामी शर्मा, तो शंकर देव, जतिन गोस्वामी शर्मा, प्रभात शर्मा,
इनको हम बहुत आसानी से याद करेंगे बिना ट्रिक के, बिना ट्रिक के। अन्य कलाकार कौन कौन है? प्रदीप चलिहा, परमानंद बर्बायान, प्रदीप चलिहा, परमानंद बर्बायान, टकेश्वर हजारिका बर्बायान, इनका बहुत आसानी से याद किया जाए हमसे। आज तक टॉपिक यही समाप्त होता है। कौन सा भैया? क्लासिकल डांस। अब हम लोग अगला टॉपिक अध्याय 2 पढ़ेंगे, फोक डांस। कौन सा? फोक डांस ना। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया अगला टॉपिक नेक्स्ट डे, तो ये रहे सत्रिया के बारे में। सत्रिया वहाँ मनाया जाता है असम में, असम में मनाया तो जाता है लेकिन लागू कर दिया 2000 में, सन 2000 में, लेकिन ये 500 वर्ष पुराना है। और सबसे पुराना 500 वर्ष पुराना है लेकिन सबसे नया कौन सा है? सत्रिया। और सबसे पुराना कौन सा है क्लासिकल डांस है? भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम है। बात रही सत्रिया की, असम सत्रिया असम ना। आज खातिर इतना ही, मिलते हैं कल। वीडियो कैसी लगी आप सब जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।